क्या बताऊं, इनसाइड स्पेक्स यू कैन सी। जूले फ्रॉम लेह। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जवाहर। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला टॉप। अभी बज चुके हैं लगभग 9:35 एज यूजुअल। मैं तो बहुत पहले उठ गया था, नहा भी लिया था, फ्रेश भी हो गया था, लेकिन भाई लोग अभी जो देखो इधर देखो, इधर 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 उधर नहीं दिखाऊंगा, उधर नहीं दिखाऊंगा, कपड़ा चेंज कर रहा है भाई। अच्छा पलटा देता हूं ना। हाँ चलो, तो ब्रेकफास्ट रेडी है और आपको होटल दिखाता हूँ जहाँ हम लोग रुके थे। वाला रूम था, कल रात को आपने देखा ही होगा। तो ये है होटल जो कि रात में कुछ ऐसा दिख रहा था, अभी दिन में देखिए। हम लोग 9 सोचे थे निकलने का, बट रात को वीडियो एडिट लेट से हुआ, अपलोड करने में फिर थंबनेल बनाने में टाइम लग गया, तो मैं 3:30 सोया हूँगा सुबह। फिर सुबह सुबह जल्दी भी उठ गए, 7:30 को ही उठ गया था, बट 8 तक नहा वहाँ के फ्रेश हो गया था। काफ़ी अच्छा होटल है, हम लोगों को लगभग 200 रुपीस पर हेड होटल पड़ा था, बेड। बाकी यहाँ खाने का अलग है, खाने का चार्जेस अलग अलग पड़ता था। तो बुफे सिस्टम है, तो 200 रुपये में, 250 रुपये में अनलिमिटेड खाना रात का। अभी ब्रेकफास्ट का चार्ज भी अलग है। ये है आंटी जी, यहाँ के ओनर। हेल्प किए, थैंक यू। ओके है। अच्छा, हमारे घर में भी है ऐसी छोटा सा बागवानी। अच्छा। हम लोग भी ऐसी सब्जी वगैरह लगाते हैं। अच्छा। ब्रेकफास्ट पेल रहे हैं। अनलिमिटेड था तो अपन खा ली दो बार। तो एक चीज़ बताना था, जैसे आप खारदुंगला टॉप जाते हैं या फिर कहीं भी इधर घूमते लेह से, तो आपको परमिट बनाना पड़ता है, इनर लाइन परमिट। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और जैसे ग्रुप में हो तो ग्रुप का भी बना सकते हैं, कोई एक बंदा अपना आधार कार्ड वगैरह ऐड करेगा, उसके बाद बाकी ग्रुप मेंबर का ऐड कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं पर पर्सन के हिसाब से, तो हमने लगभग 300 रुपये ऐसा कुछ चार्जेस लगा था, तो 1390 रुपये कुछ तीन लोग का लगा था। और डेट भी रहता है उसमें, और कब इंटर कर रहे हो, कब एग्जिट कर रहे हो, और कौन कौन सा रीजन में जाना है वो टिक करना पड़ता है। तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं अप्लाई, हम लोग कर रात को कर दिए थे। अभी प्रिंट निकालना है, क्योंकि लगभग प्रिंट भी आपको ना 7-8 प्रिंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे उसको सबमिट करना रहता है। तो फोटोकॉपी करवा लेंगे अपन अभी प्रिंट निकलवा के। तो बस यही जानकारी देना था ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो कभी ले आने के बाद, ये सबसे पहला काम करो। ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट 10 खुलता है ऑफलाइन का ऑफिस, उसके बाद भी लाइन में लगना पड़ता है, धाम लगता है। गाड़ी वॉश कर रहे अपना, मैं भी थोड़ा मार देता हूँ गाड़ी वॉश। पानी अंदर नहीं होगा, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं मार रहा हूँ पेनियर के अंदर, एक्चुअली मुझे यहाँ याद हुआ था अंदर, बाकी तो चल जाता है। ऑल सेट, रेडी टू लीव। आज है खारदुंगला टॉप करना है अपने को, तो खारदुंगला टॉप के लिए निकल रहे हैं। और अभी बजे हैं 10:45। ऐसे तो लेट हो ही जाता है। अपने को एक विंटर लाइनर लेना है, पेट्रोल फिलअप कराना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मुक्तिमामृतात् ओम स्वाहा। नारायण नारायण नारायण। ये गली में थोड़ा है होटल, मैं पूरा टॉप बॉक्स वगैरह सब लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई उधर आगे भी जाना है, तो सामान यहाँ छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे सामान इधर उधर फैले हुए हैं अलग अलग बॉक्सेस में। तो आज का डे है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज है अपना ड्रीम पूरा होने वाला है, खारदुंगला टॉप, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो अभी कुछ इस तरह से है लेह में, रोड वन वे कर दिए हैं, और इधर मार्केट वाला जो रोड है उसमें पार्किंग वगैरह अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ऊपर का लाइनर, क्योंकि मुझे ऊपर के लाइनर की ज़रूरत है, नीचे की ज़रूरत नहीं है। और नीचे के वो भाई यूज़ करेगा, उसको पेंट वाला चाहिए, 50-50 कर लेंगे अपन। 500 रुपये लगा, डिस्काउंट नहीं किया उसने, आंटी ने। और मैंने एक स्कार्प भी लिया, अभी गाड़ी चलाते हुए पहनते बन जाएगा। यहाँ पेट्रोल का रेट है 107 रुपये 11 पैसे, ठीक है चलेगा। लेह लद्दाख में रेट 107 रुपये 11 पैसे है, फुल करा लेते हैं, 112 में डलवाए हैं, तो ये क्या है, 5 रुपये कम। डब्बा चेक कर लो ना एक बार, होटल चेक कर लिया, रखने का इशू होगा, रखेंगे कहाँ पर?
तो ये देखो लद्दाख फ्लैग सीधा उल्टा किधर है भाई, कैसे ये इधर रहेगा ना अपने साइड, हमेशा कैमरे में ऐसे दिखेगा ना यार, यहाँ बांध देते हैं। एक्चुअली मैं इसको यहाँ नहीं लिया हूँ, ये तो मैं उत्तराखंड गया था तब लिया था। इसका मीनिंग बहुत ही पावन रहता है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग ये होता है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो अपने आत्मबल को जगाओ, अपने आत्मा का दर्शन करो, ये है साक्षात्कार करो। ओम मानी पद्मे हम, ओम मानी पद्मे हम, ये है आम जिंदगी, हमेशा बांधते रहो, पकड़ते रहो, खींचते रहो, ये खास जिंदगी, नो टेंशन। बांध तो लिए, बलरामपुर टू लद्दाख बाइक राइडिंग RPM व्लॉग्स, सब्सक्राइब हिम। कैसे मस्त लग रहा है ना देखो, वेलकम टू द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, चेक पॉइंट। ओहो शिट, परमिट नहीं नहीं ये नहीं, तो बाइक का कागज, RC किसी बाहर हिमाचल से लाएगा रेंट पे या नहीं, नहीं है अपना ही है। तो यहाँ पे भाई ऐसा सीन है कि आपकी बाइक का मतलब ओनर आप ही होना चाहिए, हिमाचल वगैरह से लाओगे तो यहाँ पे आगे जाने नहीं देते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हिमाचल वाला हमको हमारा बाइक सब पूरा टंकी में चीनी डाल देता है, पूरा खराब कर देता है, सीस इंजन सीस का। ऐसा क्या, तो दुश्मनी चलता है। एल्टीट्यूड एकदम से बढ़ते जाएगा, अभी यहाँ पे भी रुके थोड़ा देर तो सांस फूल गया। वो देख रहे हो बर्फ, पूरा बर्फ से हिमालय आच्छादित है शुद्ध हिंदी में। अरे वाह यार क्या सीन है यार, भारी स्ट्रगल कर रहा है भाई गाड़ी, कैसे हो रहा है ये ना? हाँ वो अब करेगा। तीन गाड़ी बाइक लिख दो उधर, ठीक ठीक लास्ट तक जाएगा तो दो तीन चीज भी और आ जाएगा, तो अभी तो अपने पास एक ही है। थैंक यू, चलो मेरे गाड़ी रेस हो रहा है यार, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। हाँ हाँ अभी हम लोग जस्ट चेक पॉइंट पे थे, यहाँ से साउथ पुल्लू थोड़ी दूर में है, साउथ पुल्लू वाला नॉर्थ पुल्लू ऐसे कुछ आता है ना, वो पास पार कर रहे हैं। लद्दाख रेस्क्यू सेंटर ऑक्सीजन कैफे, कुछ दिक्कत होता है तो आप यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं, यहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, इमरजेंसी अगर आर्मी की या इम्पोर्टेंट लोग आते हैं तो यहाँ पे यहाँ तक आते हैं। फोटो कॉपी कराओ तो 8-10 कॉपी करा लेना, हम लोगों ने कराने वाले थे बट उन्होंने बोला कि नहीं चल जाएगा करके, अभी फ़ोन में अपने पास परमिट तो हम दिखाते हुए चले जाएंगे सबको। यहाँ पर थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि ऊपर नीचे चढ़े ना, यहाँ पर एकदम सांस फूल गया था और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी, तो ऊपर तो और ज़्यादा स्ट्रगल करेगी बिकॉज ऐसे है रोड है और हल्का सा अपने आप एक्सीलेट होता है, वो एयर नहीं मिल पा रहा है ना एयर फिल्टर को। यहाँ पे एक दिक्कत है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है तो पावर बैंक ज़रूर रखना। और देखो नेशनल फ्लैग अपना, आपकी गाड़ी कितने भी गियर में हो लेकिन आपको पावर ड्रॉप बिल्कुल फील होगा और आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी नहीं स्पीड में, थोड़ा पावर लैग हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अभी मोशन सिकनेस वगैरह एल्टीट्यूड सिकनेस कुछ नहीं हुआ है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सीधा कार्जुंगला में मिलता हूँ क्योंकि बैटरी भी ड्रेन जल्दी हो जाता है। ये जगह देख रहे हैं पूरा लैंडस्लाइड होता है गाइस बारिश के टाइम में, तो बिल्कुल मत आओ यहाँ पे। अभी तो काफ़ी अच्छा रोड बन गया, पहले ना ये पूरा कच्चा रोड था। फाइनली गाइस We did it! यही है खारजुंगला, अब यही है, लगे ही नहीं ना। ये गाइस देखो 17,982 फीट हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, बट ये सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, अब उमलिंगला पास हो गया है। गाड़ी वाड़ी अपना यहाँ साइड कर दिया, यहाँ पे ले आया हूँ, छोटा सा एक वीडियो बना है मोबाइल में, वो आपको दिखाऊंगा, इसके पहले आपने देखा भी होगा। तो फाइनली खारजुंगला टॉप कर लिए गाइस, जो ड्रीम था मेरा 4 साल से सपना था गाड़ी जिस ले लिया था वो फाइनली पूरा हो गया, और थोड़ा सच मुझे पता है।
क्या बताऊं, इनसाइड स्पेक्स यू कैन सी। सब बाइकर का सपना होता है हाईएस्ट मोटरेबल रोड में आना। वैसे तो उमलिंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया है अब 19,000 फीट पे। और देखो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई, कहाँ से, क्या नाम है भाई? हमारा नाम वीर है। वीर कहाँ से? कर्नाटका से। कर्नाटका से आए? अरे बाप रे, इतना दूर से। हाँ। अब भाई फ्लाई आए हो गया? हम श्रीनगर तक फ्लाइट में आए। अच्छा, तो आप मेरा वीडियो देखना। हाँ। अभी कर्नाटक आऊंगा, बेंगलोर। हाँ। साउथ का राइड करूंगा ना, तब मिलूंगा आपसे। हाँ, ठीक है, जरूर। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना कृतेश के। ठीक है, हिप हिप हुर्रे। और भी बाकी लोग हैं जो फोटो वगैरह ले रहे थे मेरे बाइक के साथ। अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। थैंक यू, मजा आ गया। यासिर आपका? आपका चलो बढ़िया लगा मिलके आप लोगों से। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय बाय। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है दिखाता हूँ। सियाचिन वेरियर्स का यहाँ पे हेल्थ एडवाइजरी है, यहाँ पे आपको 18,000 फीट पे आए हैं तो ज़्यादा देर नहीं रुकना है, 10-15 मिनट रुकना है, लेकिन अपने को 10 मिनट हो चुका है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बर्फ़ है, ऐसा बर्फ तो देख ही चुके हो, और ये पिघला हुआ है तो ऐसा बर्फ़ का पूरा सिल्ली है। अभी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बर्फ़ ना पिघल चुका है, नहीं तो फिर ये जो पूरा पहाड़ दिख रहे हैं लोग वहाँ तक भी जाते हैं ऊपर तक। ये और टॉप है खारजंगला से, और ज़्यादा टॉप है, मतलब 18,000 जो फीट बोलते हैं ना वो एक्चुअल में वहाँ पे, यहाँ पे तो 17,988 फीट है खारजंगला टॉप, बट जो ऊपर जाएंगे ना वो ज़्यादा है। ड्रीम कम ट्रू, सही बता रहा हूँ। अब यहाँ से अपन रिटर्न जाएंगे नुब्रा वैली के लिए। अब स्लाइटली डाउन हो जाएंगे तो अपने को मोशन सिकनेस और एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा। वैसे यहाँ पे उतना नहीं हो रहा है, सांस की तकलीफ नहीं हो रही है। अगर भीड़ रहती तो सांस की तकलीफ होती क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बन जाती भीड़ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी बन गया है कच्चा टाइप का, बाकी पुलिस वाले रहते हैं, कैंप वैम्प लगा के रहते हैं उन लोग, मंदिर वगैरह भी है वहाँ पे। बर्फ में तो इतना इन्जॉय कर सकते, इससे ज़्यादा इन्जॉय तो अपने मैग्नेटिक हिल के पहले जो था वहाँ पे किए थे द्रास में। वाव यार, व्हाट अ स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम, वाह मस्त लग रहा है ना एकदम, बढ़ गया स्नोफॉल एकदम, उसके जैसे लग रहा है पोनी पोनी जैसे। हाँ अब सांस फूल रहे, नहीं रुकते ज़्यादा देर, चलते हैं आगे, वहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं बस। फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि पैनर के साथ खारजंगला टॉप कैसे हो गया, हम लोग यहाँ पे 45 मिनट से रुके हुए हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गया, और स्ट्रगल थोड़ा सा किया चढ़ाने का टाइम, लेकिन भाई फाइनली कर लिए क्योंकि केके राइडर ने चलाया और ये हमारी बेबी टाइगर है भाई। पेनियर्स ने यार ज़बरदस्त मतलब साथ दिया है, मतलब अभी तक वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया ही नहीं है, थैंक्स टू इंडी वाई मोटो। गौरव भाई थैंक यू यार, बहुत अच्छा साथ दिया, थोड़ा लोड हो जाता है मेरी गाड़ी के हिसाब से बट काफ़ी अच्छा है ये ऑल इंडिया राइड के लिए, अगर अच्छा है, लेकिन थोड़ा ऑफ रोड में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपके पास हैवी बाइक है 650 सीसी या 800 सीसी की तो ज़बरदस्त पैनियर है। यहाँ पे आईडी आ रहा होगा इंडी वाई मोटो का, वहाँ संपर्क करिए, परचेज कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा था, अभी थोड़ा बंद हो गया है, यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो अपने को जिधर रूट से है उधर से नहीं जाना है, अपने को नुब्रा वैली से होके जाना है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं ताकि पोस्ट कर सके अपने इंस्टाग्राम में। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो कृतेश के यहाँ पे आईडी आ रहा होगा, सांस फूल रही मेरी, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर ले एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, केके राइडर को। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। Is every ocean calm as rain? I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, my love. Say, yaar, meri baby tiger, tujhe naaz hai yaar.